गण का मतलब है जन यानी लोग। गणों के नायक को गण नायक या गणपति कहते हैं। इस गणाधिपति को अग्र पूजा का सम्मान प्राप्त है। किसी भी कार्य के आरंभ में इनकी पूजा की जाती है और इन्हें मंगल मूर्ति कहा जाता है। सामान्य जनता इन्हें गणपति बप्पा भी कहती है। गणेश जी युद्ध में कुशल सेना नायक हैं तो नृत्य कला में भी निपुण हैं। अ उ म की अर्धमात्रा से ओम की निर्मिति हुई है। ओमकार से ही विश्व निर्मिति की कल्पना की गई है, यानी श्री गणेश विश्वरूप देवता हैं। गणेश जी के 8 शक्तिपीठ हैं और सौभाग्य की बात यह है कि ये 8ों शक्तिपीठ महाराष्ट्र में ही हैं और इन्हें ही अष्टविनायक क्षेत्र कहा जाता है। गणेश जी की अवतार कथाएं और उनके 8 शक्ति केंद्र वैसे तो बहुत प्राचीन हैं, मगर उनके आज दिखाई देने वाले देवालय इसी सदी के हैं। स्वस्ति श्री गणनायकम गजमुखम मोरेश्वरम सिद्धिदम बल्लाळम मुरुडम विनायक मढ़म चिंतामणि थेवरम लेण्याद्री गिरिजात्मकम सुवरदम विघ्नेश्वर ओझरम ग्रामे रांजण संस्थिते गणपति कुर्यात् सदा मंगलम। इस श्लोक के अनुसार अष्ट विनायक क्षेत्रों की यात्रा करनी हो तो यात्रा की शुरुआत मोर गांव के मयूरेश्वर से ही करनी चाहिए। दूसरे स्थान पर सिद्धटेक के सिद्धि विनायक और तीसरे स्थान पर पाली के श्री बल्लाळेश्वर हैं। इनके बाद मेहड के श्री वरद विनायक जी के दर्शन लेकर थेयूर के श्री चिंतामणि के दर्शन लेने चाहिए। अब पूना से बाहर निकलकर जुन्नर के पास लेण्याद्री पर्वत पर स्थित गिरिजात्मक जी के दर्शन करके ओझर के विघ्नेश्वर के दर्शन लेने चाहिए। ओझर के बाद रांजण गांव के महागणपति जी के दर्शन लेकर फिर से मोर गांव के मयूरेश्वर जी के दर्शन करके यात्रा की समाप्ति करनी चाहिए। अष्टविनायक क्षेत्रों की यात्रा जीवन में एक बार तो होनी ही चाहिए, ऐसी गणेश भक्तों की मनोकामना होती है। श्री क्षेत्र मोरगांव पुणे जिले के बारामती तालुके में पुणे सोलापुर महामार्ग पर पुणा से 56 किलोमीटर की दूरी पर चौफुला गांव के दाईं ओर नीरा मार्ग पर है। ये उत्तराभिमुख मंदिर गांव के बीचों बीच है। मंदिर के घेरे में 50 फुट ऊंचाई की तटबंदी है। मंदिर के चारों ओर ऊंचे मीनार हैं, इसलिए ये मंदिर दूर से मस्जिद जैसा दिखाई देता है। मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते में सर्वप्रथम पत्थर की ऊंची सुंदर दीपमाल दिखाई देती है। श्री क्षेत्र मोर गांव का आकार मयूर जैसा है। पहले वहां बहुत मोर हुआ करते थे, इसीलिए इस गांव का नाम मोर गांव हो गया। करहा नदी के तट पर बसा हुआ मयूरेश्वर जी का मंदिर एक छोटी सी गढ़ी या छोटे से किले की तरह दिखाई पड़ता है। दीपमाल के आगे नगाऊ खाना है। नगाऊ खाने के पास अपने दो पैरों में लड्डू लेकर खड़े हुए मूषक जी दिखाई देते हैं। महाद्वार के सामने गणपति जी की ओर मुख करके बैठे हुए हैं काले पत्थर के नंदी।
निजे भूस्वानम देजड भारत भूम्या परतरे तुरी आस्तीरे परम सुख देत्व निवससी मयूराया नाथ स्तवमसिच मयूरेश भगवान अतस्त्वा संध्याय शिवहरिरणि ब्रह्मजनकम्। मुख्य द्वार के सामने पत्थर का कछुआ है। यह एक पुरानी पत्थर से बनाई दीपमाल। मूर्ति के सामने मूषक और मयूर है। मयूरेश्वर जी की त्रिकाल पूजा होती है। प्रातः 5 बजे प्रक्षाल पूजा होती है। ये पूजा मुख्य पुजारी करते हैं। सुबह 7 बजे और दोपहर के 12 बजे षोडशोपचार पूजा होती है। ये पूजा ब्राह्मण पुजारी करते हैं। रात के 8 बजे पंचोपचार पूजा होती है। मंदिर के अर्थगृह में मयूरेश्वर जी की अत्यंत आकर्षक मूर्ति है। मूर्ति बैठी हुई बाईं शुंडा की ओर पूर्वाभिमुख है। इस मूर्ति की 3 आंखें हैं। आंखों में और नाभि में चमकीले हीरे हैं। सिर पर नागराज का फन है। मूर्ति के ऊपर चंदेरी रंग की छत है। श्री क्षेत्र सिद्धटेक। श्री क्षेत्र सिद्धटेक के लिए पुणे सोलापुर रेलवे मार्ग पर डौंड सुविधाजनक रेलवे स्टेशन है। रास्ते के दोनों तरफ हरी भरी खेती दिखाई देती है। सिद्धटेक के रास्ते में जगह जगह पर मार्गदर्शक फलक दिखाई देते हैं। सिद्धटेक के रास्ते में देउल नामक एक गांव है। गांव के चौक में सुंदर मंदिर दिखाई देता है। श्री क्षेत्र सिद्धटेक भीमा तट पर बसा हुआ गांव सिद्धटेक अहमदनगर जिले के करजत तहसील में आने वाला गाँव है। भीमा नदी सिद्धटेक में दक्षिण वाहिनी हुई है। भीमा नदी में कितनी भी बाढ़ आ जाए फिर भी पानी की ध्वनि सुनाई नहीं देती। सिद्धटेक में गणेश जी के दर्शन को जाने वाले भक्तजन दिखाई देते हैं।
ये है सिद्धटेक गांव का परिसर। मिट्टी की दीवारें और घास की छतें यहां के छोटे छोटे घरों की विशेषता है। श्री सिद्धि विनायक जी के मंदिर के पास के टीले पर श्री विष्णु जी का मंदिर है। श्री सिद्धि विनायक जी का मंदिर टीले पर उत्तराभिमुख है। मंदिर के सामने सिद्धटेक का ग्राम पंचायत कार्यालय है। ये है मंदिर के बाहर का विशाल मुख्य प्रवेश द्वार। मंदिर के सामने दोनों तरफ दुकानें हैं। दुकानों में पूजा का सामान और गणेश जी की तस्वीरें दिखाई देती हैं। भाद्रपद शुद्ध प्रतिपदा से पंचमी तक यहां दो बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। उन दिनों में महापूजा की जाती है। मंदिर के द्वार पर दोनों तरफ जय और विजय की मूर्तियां दिखाई देती हैं। मंदिर की चौखट पर सुंदर शिल्प का काम किया गया है। बाहर एक बड़ा सा सभा मंडप है। मंदिर में दीपमाल भी दिखाई देता है। मंदिर के सभा मंडप में पूरे अष्ट विनायक की तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं। मंदिर में अष्टविनायक दर्शन का नक्शा दिखाई देता है। मंदिर का गर्भगृह 15 फीट ऊंचा और 10 फीट चौड़ा है। इसे पुण्य लोग अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया। स्थितो भीमा तीरे जगदवन कामेन हरिणा विजेतु दैत्यो तच्छुति मलभवो कैटभ मधु महाविघ्नार्तेन प्रखर तपसा सेवित पदो गणेश सिद्धीशो गिरवर वपुह पंचजनक। श्री सिद्धि विनायक जी के मंदिर की चौखट पीतल की है। श्री सिद्धि विनायक जी की स्वयंभू मूर्ति 3 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी है। मूर्ति उत्तराभिमुख
और शुजमुख है। मूर्ति की शुंडा दाहिनी तरफ मुड़ी है। उनके अगल बगल में जय विजय की दो बड़ी मूर्तियां हैं। गर्भगृह में ही भगवान जी का शैयाघर भी है। मंदिर के कोने में शिव पंचायतन है। शिवाई देवी का भी एक छोटा मंदिर है। हर रोज प्रातः 4 बजे ही मंदिर के द्वार खोले जाते हैं। 5 बजे तक गणेश जी की साधारण पूजा होती है। दोपहर 11 बजे पंचामृत से पूजा होती है। रात में धूप आरती होती है। बाद में भगवान जी को सुलाया जाता है। श्री बल्लाड़ेश्वर पाली। श्री क्षेत्र बल्लाड़ेश्वर। ये स्थान रायगढ़ जिले के सुधागढ़ तालुके में नागोठणे गांव के पास है। ये गांव करजत रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बल्लाड़ेश्वर जी का मंदिर पूर्वाभिमुख है और मंदिर का आकार श्री अक्षर जैसा है। दक्षिणायन में सूर्योदय होते ही सूर्य की किरणें बल्लाड़ेश्वर के मुख पर गिरती हैं। देवालय में 2 गर्भगृह हैं। बाहर के गर्भगृह में मूषक जी अपने दोनों पैरों में मोदक पकड़कर बल्लाड़ेश्वर को देख रहे हैं। मंदिर की दीवारें पत्थर की बनी हुई है। मंदिर की बनावट दर्शनीय है। देवालय का शिखर ईंट और चूने से बनवाया हुआ है। मंदिर का सभा मंडप 40 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा है। ये विशाल और सुंदर सभा मंडप देवदार वृक्ष के खंभों से बनाया गया है। मंदिर के अंदर के गर्भगृह में श्री बल्लाड़ेश्वर की 3 फीट ऊंची पूर्वाभिमुख बाएं शुंडा की मूर्ति है।
श्री बल्लाड़ेश्वर जी की मूर्ति की आंख और नाभि में हीरे हैं। मूर्ति के अगल बगल में रिद्धि सिद्धि हैं। मंदिर के पीछे श्री धुंडी विनायक जी का देवालय है। श्री धुंडी विनायक जी की मूर्ति स्वयंभू और पश्चिमाभिमुख है। पंचमी को दही काला और अन्न संतर्पण किया जाता है। माघ महीने की तृतीया को विनायक की पालकी निकलती है। श्री बल्लाड़ेश्वर पाली श्लोक। वैदेह संस्तुत वैभवो गजमुखो भक्ताभिमानीति यो। बल्लाड़ारभ्य सुभक्त पाल नरतः ख्यातः सदा तिष्ठति क्षेत्रे पल्लीपुरे यथा कृतयुगे चस्मिन् तथा। भक्तैर्भावित मूर्तिमान गणपति सिद्धीश्वरं तं भजे। श्री वरद विनायक महड। रायगढ़ जिले के खालापुर तालुका में महड गांव में श्री वरद विनायक विराजमान है। श्री वरद विनायक जी की मूर्ति स्वयंभू है। श्री वरद विनायक जी का देवालय पूर्वाभिमुख है। देवालय के चारों ओर दो दो हाथियों की मूर्तियां बनाई हुई हैं। उत्तर की ओर गोमुख है, वहां से तीर्थ नीचे गिरता है। मंदिर का सभा मंडप 8 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा है। गुंबद की ऊंचाई 25 फीट है और कलश पर सोने का पानी चढ़ाया गया है।
गर्भगृह में प्रवेश करते ही रिद्धि सिद्धि की मूर्तियां दिखाई देती हैं। दोनों कोनों में गणेश जी की दो मूर्तियां दिखाई देती हैं। गर्भगृह में पत्थर के सिंहासन पर श्री वरद विनायक जी की मूर्ति है। मूर्ति बाई शुंडा की आसनस्थ और पूर्वाभिमुख है। श्री वरद विनायक जी की त्रिकाल पूजा होती है। गणेश जन्मोत्सव के वक्त गणेश जन्मोत्सव के समय विनायक जी का प्रसाद स्वरूप नारियल लेने से उत्कट मनोकामना रखने वाले दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, ऐसा भक्त गणों का विश्वास है। संत ज्ञानेश्वर ने गणेश जी का वर्णन करते हुए कहा है कि श्री गणेश जी के हाथ का परशु यानी तर्क है, और मोदक का मतलब है महारस से परिपूर्ण वेदांत। ओंकार में श्री गणेश जी का रूप देखने वाले संत ज्ञानेश्वर कह रहे हैं कि अकार श्री गणेश जी के चरण युगल हैं, उकार गणेश जी का विशाल उदर है, और मकार यानी महामंडलाकार मस्तक है। इस प्रकार का प्रासादिक वर्णन संत ज्ञानेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता है। गणपति जी का पेट बड़ा और आंखें छोटी हैं। अपने भक्तों के अपराध पेट में डालकर यानी उन्हें माफ करके गणपति जी लंबोदर हो गए। वक्रों का यानी दुष्ट लोगों का तुंडन करके यानी उन्हें दंड देकर श्री गणेश वक्रतुंड हो गए। भक्ताभिमानी गणराज एकः क्षेत्रे मठारत्ये वरदः प्रसन्नः यस्तिष्ठति श्रीवरदो गणेशः विनायकस्त प्रणमामि भक्त्या। थेऊर गांव को तीनों ओर से मुड़ा मुठा नदी का घेरा है। पुणे सोलापुर महामार्ग पर हड़पसर के बाद और लोणी के आगे बाईं ओर थेऊर के लिए रास्ता है।
श्री चिंतामणि के इस प्रशस्त मंदिर का महाद्वार उत्तराभिमुख है। मंदिर का सभा मंडप लकड़ी का है और सभा मंडप में काले पत्थर से बना पानी का फव्वारा भी है। मंदिर का प्रासाद प्रशस्त और फर्श का बना हुआ है। मंदिर के प्रासाद में शिवाजी का छोटा सा मंदिर है। श्री चिंतामणि गणपति मंदिर का निर्माण मोर्या गोसावी जी के वंशज थरणीश्वर महाराज देव जी ने किया। उनके पश्चात लगभग 100 सालों बाद थोरले यानी बड़े माधवराव पेशवा जी ने इस मंदिर का सभा मंडप बनवाया। मंदिर में हर रोज की त्रिकाल पूजा की जाती है। ब्रह्मा सृष्ट्यादि सक्तः स्थिरमति रहितः पीड़ितो विघ्न संधे आक्रांतो भूति रक्तः कृति गुण रजसा जीवता त्यक्तुम इच्छन स्वात्मानं सर्वत्या गणपति मामलं सत्य चिंतामणीयं मुक्तश्चा स्थापयन्त स्थिरमति सुखदं स्थावरे ढुंडिमीडे। विख्यात गणेश मंत्र ओम गण गणपते नमः ओम गम ओम गण ओम ओम वक्रतुंडाय हुम नमः ओम गजाननाय नमः ओम श्री गणेशाय नमः ओम वक्रतुंडाय हुम।
चिंतामणि जी की मूर्ति स्वयंभू बाएं शुंड वाली और पूर्वाभिमुख है। मूर्ति की आंखों में रत्न और माणिक है। भाद्रपद में प्रतिपदा से सप्तमी तक तो माघ में अष्टमी तक थेऊर में बड़ा उत्सव होता है। श्री गिरिजात्मज विनायक लेण्याद्रि। श्री गिरिजात्मज विनायक लेण्याद्रि। श्री क्षेत्र लेण्याद्रि की ओर कुकड़ी नदी के उत्तर पश्चिम तट पर बसा हुआ है। पुणे नासिक महामार्ग पर चाकण राजगुरु नगर से जुन्नर होकर लेण्याद्रि पुणे से 94 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर के 307 सोपान हैं। चढ़ने की जिनमें शक्ति ना हो उन भक्तों के लिए डोली का प्रबंध हो सकता है। पर्वत पर स्थित बौद्धकालीन गुफाओं में 8वीं गुफा पर्वत पर स्थित बौद्धकालीन गुफाओं में 8वीं गुफा में गिरिजात्मज विनायक का मंदिर है। इन गुफाओं को गणेश गुफा भी कहा जाता है। गिरिपाद से मंदिर गुफा के द्वार पर पहुंचने के लिए कुल मिलाकर 307 पायदान चढ़ने पड़ते हैं। गिरिपाद में ही पीने के पानी का चश्मा है। मंदिर दक्षिणाभिमुख है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि पूरा मंदिर एक ही बड़े पत्थर में खुदा हुआ है। 53 फुट लंबे और 51 फुट चौड़े इस विशाल सभा मंडप में एक भी खंभा नहीं है। सभा मंडप में कुल 18 ओवरियां हैं और बीच के एक ओवरी में गिरिजात्मज की मूर्ति की स्थापना की गई है। श्री गिरिजात्मज विनायक जी का मंदिर दक्षिणाभिमुख तो मूर्ति उत्तराभिमुख है। जिस गुफा में देवी पार्वती जी से भी गणेश प्रसन्न हुए उस गुफा में देवी पार्वती ने भी गणेश की स्थापना की। यहां गणेश जी की स्वतंत्र सुंदर मूर्ति नहीं है। इन गुफाओं में किसी ने दीवार पर गणेश जी की मूर्ति बनाई है। यहां पर गर्दन बाई तरफ की हुई गिरिजात्मज की मूर्ति दिखाई देती है। यहां के छोटे से गर्भगृह में भक्तगण गिरिजात्मज विनायक की पूजा कर सकते हैं। प्रातः समय में गिरिजात्मज की पंचामृत से पूजा होती है। भाद्रपद और माघ शुद्ध चतुर्थी ये दो बड़े उत्सव यहां मनाए जाते हैं। माघ महीने में 7 दिन अखंड हरिनाम सप्ताह होता है। गणेश जयंती को गणेश जन का कीर्तन किया जाता है।
श्री गिरिजात्मज विनायक लेण्याद्रि श्लोक। माया सा भुवनेश्वरी शिवसती देहाश्रिता सुंदरी विघ्नेशम सुतमाप्तुकाम संहिता कुर्वेतपो दुष्करम तख्याभूत प्रकट प्रसन्न वरदो तिष्ठ्या स्थापित तख्याभूत प्रकट प्रसन्न वरदो तिष्ठतया स्थापित वंदेह गिरिजात्मज परमजम तम लेखनाद्रिस्थितिम वंदेह गिरिजात्मज परमजम तलेखनाद्रिस्थितिम श्री विघ्नेश्वर ओझर। श्री क्षेत्र ओझर पुणे जिले के जुन्नर तालुका में नारायण गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री विघ्नेश्वर का मंदिर पूर्वाभिमुख है और मंदिर के चारों ओर सुरक्षा के लिए पत्थर का बना परकोटा है। इस परकोटे से लेण्याद्रि और शिवनेरी किला दिखाई देता है। प्रवेश द्वार के दोनों ओर पत्थर के भालदार चौबदार बनाए गए हैं। द्वार से अंदर आते ही दोनों ओर ध्यान धारणा करने की जगह दिखाई देती है। मंदिर का प्रांगण फर्श का है और प्रांगण में दो दीप मालाएं हैं। देवालय का सभा मंडप 20 फुट का है। सभा मंडप के दक्षिण और उत्तर दिशा में दरवाजे हैं। इसी मंडप में धुंडीराज की मूर्ति है। इसके आगे एक 10 फुट का मंडप है। इस मंडप में संगमरमर का एक मूषक भागने की तैयारी में है। मंदिर की दीवारें आकर्षक और रंगीन चित्रों से सजाई हुई हैं। गर्भगृह में चारों ओर छोटे छोटे खानों में पंचायतन की मूर्तियां हैं। मंदिर में की गई नक्काशी दर्शनीय है। श्री विघ्नेश्वर की मूर्ति पूर्वाभिमुख और बाईं शुंडा की है।
मूर्ति की आंखों में माणिक, माथे पे हीरा और नाभि में रत्न है। अगल बगल में रिद्धि सिद्धि की पीतल की मूर्तियां हैं। भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी और माघ शुद्ध चतुर्थी, ये दो मुख्य उत्सव यहां मनाए जाते हैं। इसके अलावा त्रिपुरी पूर्णिमा से 4 दिन बड़ा उत्सव होता है। इन 4 दिनों में दोनों दीप मालाओं में दीप जलाए जाते हैं। श्री विघ्नेश्वर ओझर श्लोक। भक्तानुग्रह गजमुखो विघ्नेश्वरो ब्रह्मपः नानामूर्तिधरोऽपि नैजमहिमाखण्डः सदात्मा प्रभः स्वेच्छा विघ्नहरः सदा सुखकरः सिद्धः कलौ स्वेपुयः क्षेत्रे चोझर्के नमोस्तु सततम् तस्मै श्री महागणपति रांजणगांव। क्षेत्र रांजणगांव पुणे अहमदनगर मार्ग पर एक छोटा सा शहर है। मंदिर के रास्ते में जगह जगह पर मार्गदर्शक फलक दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल की बस भक्तों को ले जा रही है। ये है मंदिर का बाहर का प्रवेश द्वार। मंदिर का प्रवेश द्वार भव्य और दर्शनीय है। श्री महागणपति जी का मंदिर पूर्वाभिमुख है। प्रवेश द्वार पर जय विजय नामक दो द्वारपाल हैं। मंदिर के बाहर के प्रवेश द्वार में एक बड़ी घंटी दिखाई देती है। प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही मुख्य देवालय दिखाई देता है, जो पेशवाकालीन वास्तु की याद दिलाता है। ये मंदिर का कोलारू सभा मंडप है।
दक्षिणायन में भी गणेश जी की मूर्ति पर सूर्य किरणें आती हैं, ये यहाँ की विशेषता है। यह श्री शंभु वर प्रदह सुत्पसा नामना सहस्त्र स्वकम दत्वा श्री विजय पदम शिवकर तस्मय प्रसन्न प्रभु तेन स्थापित एव सद्गुण वपुः क्षेत्रे सदा तिष्ठति तम वंदे मणिपुर के गणपति देवम महांत मुद्रा। श्री महागणपति जी की मूर्ति पूर्वाभिमुख और बाईं शुंडा की है। मूर्ति आसनस्थ है, मूर्ति का माथा चौड़ा है और अगल बगल में रिद्धि सिद्धि है। ये मंदिर हेमाडपंती वास्तुशैली का नमूना है। रंजन गांव के गांव वालों के घर में गणपति जी की स्थापना नहीं होती। भाद्रपद महीने में सभी लोग गणेश पूजन के लिए मंदिर में ही आते हैं। भाद्रपद माह में रंजन गांव में बड़ी यात्रा होती है। ये है भक्त निवास। इस जगह पर नारियल फोड़ा जाता है। ये है श्री दत्त मंदिर। मंदिर के बाहर बहुत छोटा सा मगर बहुत सुंदर उद्यान है।